पूछ रहा था क्लास बच्चों, आज हम देखते हैं v इक्वल टू अंडर रूट e अपॉन d की शुद्धता की जांच करना। एक भौतिक समीकरण दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसका विमीय सूत्र लिखते हैं और राइट हैंड साइड में विमीय सूत्र लिखते हैं, और दोनों को सॉल्व करने पे है ना, दोनों पक्षों के विमाएं अगर समान होती है तो दिया गया समीकरण जो है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले v यहाँ पे क्या चीज़ है, वेग है, तो v की विमा पहले लिखेंगे। तो v की विमा होती है LT-1। ठीक है, इसके बाद इधर e दिया है, e जो है वो प्रत्यास्थ का गुणांक कहलाता है, तो इसकी विमा होती है ML-1 T-2, और d जो है वो घनत्व है ना, तो d की विमा होती है ML-3। ठीक है, अब LHS की विमा है, LHS की विमा है, तो LHS में क्या है, v है, तो v की विमा क्या है, m नहीं है, है ना, तो ये हो जाएगा M0 LT-1। ठीक है, इसके बाद RHS की विमा लिखते हैं, RHS की विमा है, तो RHS में है वर्गमूल e अपॉन d। अब e क्या चीज है, प्रत्यास्था है, तो इसकी विमा है ML-1 T-2। ठीक है, अपॉन डी क्या चीज है, घनत्व है, इसका है ML-3। एम से एम कैंसिल कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा ML का पावर इधर -1 और ये -3 है, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा +3, और T का पावर ऊपर कितना है, -2। अब यहाँ पे आ जाएगा L का पावर 3 -1 2 L² और T-2। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा L और इसका होगा T का पावर -1, और चूंकि इसमें m नहीं है तो M0, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि दोनों पक्षों के विमाएं जो है वो क्या है, समान है, दोनों पक्षों की विमाएं समान है, दोनों पक्षों की विमाएं बराबर हैं, दोनों पक्षों की विमाएं बराबर है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध होगा, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करते हैं, दोनों पक्षों की विमा अगर बराबर आती है, यहाँ पे भी देखिए LHS की विमा M0 LT-1 है और RHS की विमा भी M0 LT-1 है, दोनों समान है, इसलिए दिया गया समीकरण जो है वो सिद्ध है। इसी प्रकार से और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।